महापात्रा का जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था और इन्होंने फिजिक्स में पटना यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली थी और 1949 में एज ए टीचर उड़ीसा में काम करना स्टार्ट कर दिया था और 1986 में एज ए फिजिक्स टीचर वो रिटायर हुए थे और पोएट्री लिखने का काम वहीं से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश राइटिंग में महापात्रा को उन दो पोएट्स के बीच में रखा जाता है जिन्होंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की एक तरह से नींव रखी थी, मतलब उनका नाम आर के रामानुजन और निसिम इज़ैकिल जैसे ग्रेट पोएट्स के साथ में जोड़ा जाता है। उनका राइटिंग स्टाइल दूसरे इंडियन पोएट्स से बिल्कुल अलग था। इनके कुछ मेजर वर्क्स पर एक नज़र डालते हैं। क्लोज द स्काई 10x10 1971 में ये पब्लिश हुई थी। ए रेन ऑफ राइट्स 1974 में। ए फादर्स हाउस 1976 में। राइटिंग 1979 में। द फॉल्स स्टार्ट 1980 में। रिलेशनशिप 1980 में। लाइफ साइंस 1983 में। बर्डन ऑफ वेव्स एंड फ्रूट 1988 में। द टेम्पल्स 1989 में। ये महापात्रा के कुछ खास वर्क हैं। और अब बात करते हैं कि इनको कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं। तो जेकब ग्लेस्टेन मेमोरियल प्राइज ऑफ पोएट्री शिकागो में 1975 को दिया गया था। उनकी रिलेशनशिप नाम की पोएट्री कलेक्शन 1980 में जो पब्लिश हुई थी उसके 12 सेक्शन को 1980 में साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए 1981 में सिलेक्ट किया गया था। महापात्रा एक सेलिब्रेटेड पोएट थे। इनकी पोएट्री में जहाँ वो रहते हैं वहाँ की बहुत सारी डिटेल मिलती है, जैसे कि श्रीन्स, टेम्पल्स, घर पर बंधे हुए जानवर, रिक्शा खींचने वाला, मतलब सभी जो आसपास आंखों से देखा जा सकता है। इनकी पोएम्स डेप्थ्स ऑफ फीलिंग्स और पोएटिक इमेजिनेशन के लिए जानी जाती है। अगर हम महापात्रा की भारतीय समझ के बारे में बात करें तो उनकी पोएटिक सेंसिबिलिटी टिपिकली इंडियन थी। उन्होंने उड़ीसा के लैंडस्केप को सीधी तरह से बड़ी खूबसूरत तरह से अपनी पोएट्री में पोर्ट्रेट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पुरी नाम की जगह पर सुबह की खूबसूरती को एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ के मंदिर को और वहाँ के मैदानों की तेज हवाओं को बड़ी ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है। विधवा औरत का मंदिर में आना, ये सब चीज़ें बड़ी ही डिटेल में डिस्क्राइब की गई हैं। इससे अलग अगर हम सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी की बात करें तो उसकी कुछ फेमस पोएम इस बारे में है। वो भारत की इकोनॉमिक और पॉलिटिशियंस के नेचर के बारे में अपनी पोएम्स में लिखता है। इस सब्जेक्ट पर उसकी द सीक्रेट ऑफ हीरोइज्म सबसे पहली पोएम फेमस है। इकोनॉमिक कंडीशन की अनस्टेबल सिचुएशन की वजह से प्रोस्टिट्यूशंस, सेक्सुअल एक्सप्लोटेशन और सोशल इनजस्टिस पर भी उसने लिखा है, जैसे कि उसकी द होर हाउस इन कलकत्ता स्ट्रीट एक रियलिस्टिक पोएम है जो प्रोस्टिट्यूशन के बारे में है, और हंगर इसमें वो एक्सट्रीम पोएट्री के बारे में बताता है कि कैसे गरीबी के चलते एक मछुआरा अपनी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन में धकेल देता है। इन सब्जेक्ट के साथ साथ उसकी पोएम ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में भी हैं, जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप, इसमें लवर्स के बीच की रिलेशनशिप आती है। इसी टॉपिक से जुड़ी उसकी पोएम ए मिसिंग पर्सन है, जिसमें एक औरत अपनी ज़िंदगी को प्यार से कंप्लीट करती है क्योंकि बिना लव के वो एक खोई हुई औरत होती है। उसकी दूसरी पोएम द लॉजिक में बीलव्ड अपने लवर के लव से इस तरह हिप्नोटाइज हो जाती है कि उसके लवर का बुरा व्यवहार भी उसे बुरा नहीं लगता। लॉस्ट उसकी दूसरी पोएम है। ये मोस्टली सेक्स एंड लस्ट के बारे में है। इसमें महापात्रा ये बताने की कोशिश करता है कि सेक्सुअल फुलफिलमेंट लवर्स का आखिरी गोल होता है। अगर उसकी पोएटिक आर्ट की बात की जाए तो नो डाउट वो एक अच्छा पोएट है। उसकी पोएट्री का स्ट्रक्चर और लिंग्विस्टिक रिमार्केबल है। वो सिंबल्स का यूज़ करता है, इमेजरी का यूज़ करता है। ये चीज़ें उसकी पोएट्री में सारी की सारी दिखाई पड़ती हैं, जैसे उड़ीसा के लैंडस्केप, मिथ्स और रिचुअल का डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच ए काउ पॉज यूरिनेट, ए सॉफ्टली स्पोकन साउंड पास्ट। और उसकी पोएम्स की थीम की बात की जाए तो उड़ीसा का लैंडस्केप, उसका इतिहास और कल्चर, सेक्स, सेक्सुअलिटी, प्रोस्टिट्यूशन, गरीबी, ग्लोमी विजन, डिजेक्शन, दुख, अकेलापन, कंटेम्प्रेरी रियलिटी और लव एंड ह्यूमन रिलेशनशिप जैसे सब्जेक्ट पर उसकी सारी पोएम बेस हैं। उसका पोएटिक स्टाइल एकदम ओरिजिनल है और इंग्लिश पर उसकी कमांड बहुत अच्छी है। उसकी सोच एक स्कॉलर जैसी है, प्लेन है, सिंपल है और ईजी है, हाईली सिम्बोलिकल और इमेजिनिस्टिक,
जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, इमेजरी एक ज़रूरी पार्ट है पोएम का। उसकी पोएम्स में फिगर एंड स्पीच का यूज़ मिलता है, स्पेशली सिमिली और मेटाफर का। स्ट्रक्चर डांस है। ये सब चीज़ें ये दिखाती है कि महापात्रा एक ग्रेट पोएट है आधुनिक भारत का, जो पोएम को सच्चाई के करीब लेकर आता है। इनके लाइफ के कुछ नोटेबल फैक्ट्स देख लेते हैं। महापात्रा फिजिक्स पढ़ाया करते थे। महापात्रा ने अपनी कविताओं में पुरी के मंदिर को मोस्टली मेंशन किया था। महापात्रा का सबसे पहला पोएट्री वॉल्यूम क्लोज द स्काई 10x10 था। उसकी एक पोएट्री कलेक्शन ए रेन ऑफ राइट्स में 49 पोएम्स हैं। महापात्रा ने उड़ीसा के लैंडस्केप और कोणार्क को मोस्टली अपनी पोएम्स में मेंशन किया है। जयंत महापात्रा चंद्रभाग्य नाम की एक मैगजीन से जुड़े हुए थे। रिलेशनशिप के लिए उसको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। इंग्लिश के अलावा महापात्रा ने अपनी पोएम्स उड़िया में भी लिखी थी। हंगर नाम की पोएम उसकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। ये पोएम सबसे पहले ए रेन ऑफ राइट्स में अपेयर हुई थी। हंगर पोएम एक ड्रामेटिक पोएम है।